SSD मैंने मंगाई थी, क्या है बाहर ट्रैवल वगैरह करता रहता था और कंप्यूटर में भी स्पेस ज़्यादा नहीं था। क्वालिटी है और जिप भी दोस्तों इसकी बिल्कुल मस्त है, आराम से ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये सुबह के 6:10 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं भिंड। जैसे कि आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा ही होगा, हम लोग ग्वालियर गए हुए थे मुस्कान की शादी में। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लास्ट वाला ब्लॉग देख सकते हैं। और हाँ, आज डेट है दोस्तों 24 अप्रैल 2024। तो फटाफट से अंदर चलते हैं, समझो उतर गए। तो ये घर पे आके मैं सो गया था और मेरी नींद फ्लिपकार्ट वाले ने तोड़ दी। SSD मैंने कल ही शायद ऑर्डर लगाया था, अब परसों रात को 12 बजे के बाद ऑर्डर लगाया था, मतलब कल का ही दिन लग गया था। और आज ये डिलीवर भी हो गई है भिंड में, मतलब हमारे घर पे। SSD मैंने मंगाई थी, क्या है बाहर ट्रैवल वगैरह करता रहता था और कंप्यूटर में भी स्पेस ज़्यादा नहीं था, तो डाटा कॉपी करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी मुझे बहुत। सही फाइल मुझे बार बार डिलीट करनी पड़ती थी, जैसे अभी अयोध्या से आए, अभी अयोध्या का एडिट नहीं हो पाया, लेकिन एडिट होती फिर मुझे डिलीट करना पड़ेगा। इससे पहले जो मैंने सियोर वगैरह की जो वीडियोज़ वगैरह शूट करी थी और इधर उधर और भी जगह गया था, सभी मेरे को फाइल डिलीट करनी पड़ी, तब अयोध्या की फाइलें कॉपी हुई कंप्यूटर में। इस चक्कर में मैंने 2 TB की SSD मंगा ली है ताकि मेरा डाटा पूरा स्टोर होता रहे और जब जरूरत पड़ेगी भर जाएगी तो फिर पुरानी फाइलें डिलीट कर देंगे। लेकिन अभी जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब वगैरह जाएंगे तो उसमें 2 TB तो मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ में मुकेश का लैपटॉप रहेगा, तो लैपटॉप की तो खैर मुझे ज़रूरत ही नहीं है, हल्का फुल्का लैपटॉप है उससे ही काम चला लेंगे और स्टोर इसी में होता रहेगा डाटा। वैसे अभी 10 बजने वाले हैं और हाँ, अब मुझे नहाना है और फिर पापा से ग्वालियर जाना है। वो पापा का सिम्स का काम है, जो पहले गए थे ना सिम्स में, वहाँ पर कुछ रिपोर्टें जाँचें वगैरह हुई थी तो उनकी रिपोर्ट डायरेक्ट हॉस्पिटल में चली गई, क्योंकि आर्मी वाला जो काम रहता है, टाइप वगैरह रहता है हॉस्पिटल का, तो उसकी रिपोर्ट डायरेक्ट ही हॉस्पिटल पहुँच जाती है MRI की। तो अब डायरेक्ट ही हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ से रिपोर्ट वगैरह मिल के डॉक्टर को दिखा के, और फिर एक डीकैथलॉन से जैकेट भी लेनी है केदारनाथ की ट्रिप के लिए। हेमकुंड साहिब और केदारनाथ में हो सकता है मुझे जरूरत पड़े। 999 रुपये वाली T50 करके कुछ आती है, वो तो वहीं जाएंगे, देखते हैं साइज मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर ऑनलाइन ही उसको देखा जाएगा। वैसे ज़्यादातर जो चांसेस ये हैं कि डीकैथलॉन के स्टोर में मिल जानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बिक्री होती है वो इसी वाली जैकेट की होती है, और जो महंगी वाली जैकेट आती हैं उनकी बिक्री इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो ये वाली जो जैकेट है वो ज़्यादातर डीकैथलॉन स्टोर पर अवेलेबल मिल ही जाती है। तो ये 11 बजने वाले हैं, नाश्ता भी हो गया है, चल निकलते हैं फटाफट से। पानी की बोतल ले ले। ग्यारह बज के 48 मिनट हो रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं मालनपुर CNG पंप पे। सिर्फ 2 डंडी थी CNG बची थी गाड़ी में, और मतलब मालनपुर में अपन क्रॉस कर लिया सिटी, उसके बाद ख़त्म हुई। मुश्किल से 1.5 किलोमीटर चले होंगे पेट्रोल पे, प्रेशर तो अच्छा है, लेकिन खाली मिल गया पंप अपन को। तो ये सिम्स हॉस्पिटल में जो भी काम था वो हो चुका है अपना, करेक्ट 12:50 पे हम लोग अंदर आ गए थे, 1:13 हो रहे हैं, 15-20 मिनट में फ्री हो गए, बस अब चलते हैं डीकैथलॉन पे। तो भैया मैं पहुंच गया हूँ डीकैथलॉन के स्टोर पे, ये रहा सामने, गाड़ी भारी मैंने खड़ी कर दी। हमारे साइज में है, पता नहीं कितना, XXL आएगा, XXL आएगा, इसमें तो मुझे लग रहा है गर्मी हो रही है। क्या रेट की है? 1999 जी। वैसे इसका अभी डिस्काउंट आ रहा है, तो जस्ट लाइक उसका पेमेंट, उसका 2999 थी जो 1999। ये 1000 वाले हैं। दो जैकेट लिया है दोस्तों डीकैथलॉन से, एक मैं अपने लिए लिया है, एक छोटा साइज मुकेश के लिए लिया आया। अभी टाइम 2:18 हो रहा है और हम लोग वापस से आ गए मालनपुर CNG पंप पे। 115 की CNG आई बस, प्रेशर कम था। तो दोस्तों हम लोग भिंड में आ चुके हैं, लेकिन अभी घर नहीं पहुंचे। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग अपने घर पे सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने वाले हैं, तो उसी की थोड़ी बात करने आए थे, क्योंकि इन्होंने हमें पहले टाइम दिया था कि सोमवार को लगा देंगे, लेकिन सोमवार को पता नहीं ये बिजी रहे क्या रहे, उसकी काटा पैड़ी चलती रही सोलर जो स्टैंड वगैरह रहता है उसकी, तो सोमवार को ये लोग आ नहीं पाए। तो अभी हम उनसे ही बात करने आए थे, तो हम लोगों ने बता दिया शुक्रवार के आसपास हम लोग करवा लेंगे। और अभी लगभग दोस्तों 3:30 हो रहे हैं, तो ये पहुँच चुके हैं घर, 3:40 हो रहे हैं अभी, बस गाड़ी को अंदर खड़ी कर देते हैं, कहीं आना जाना तो है नहीं है। सत्यम भी मिल गया था लारचुंगी पे, घर पे आ रहा था दुकान से, मोबाइल भी मेरा स्विच ऑफ डाला हुआ है, चार्ज ही नहीं होता गाड़ी की चार्जर से। तो भैया रात के अभी 10:30 हो रहे हैं, मैंने सोचा आप लोगों को जैकेट्स वगैरह दिखा दूं कौन कौन सी मैं वहाँ से लेकर आया। वैसे तो दोनों एक ही मॉडल वाली हैं,
मतलब T50 वगैरह करके कुछ शायद आती है, मुझे याद नहीं है इसका मॉडल को छोड़ो, सीधा सीधा मैं बात करता हूँ। ये दोनों सेम टू सेम है, बस हाँ साइजेस में थोड़ा सा अंतर है। ये कौन सा साइज है, एक सेकेंड लिखा होगा इस पर, एल साइज है और ये वाला XL साइज है। ये वाली मैंने ली है अपने लिए, ये वाली ली है मैंने आशुतोष के लिए यानी कि मुकेश के लिए, क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं केदारनाथ वगैरह, तो हो सकता है वहाँ पर थोड़ी बहुत ठंडक वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले, अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे हैं तो। इस वजह से हमने डीकैथलॉन स्टोर से, जैसे कि सुबह मैंने आपको दिखाया था, लेकिन हाँ इसको मैंने पहन के नहीं दिखाया था, जो दूसरी वाली जिस पर डिस्काउंट चल रहा था वो वाली जैकेट मैंने आपको पहन के दिखा दी थी, तो उस पर डिस्काउंट मिल रहा था। वैसे वो 2999 रुपए की थी, लेकिन सीज़न अभी ऑफ था तो इस वजह से वो 1999 रुपए की पड़ रही थी, लेकिन मैंने उसको पहना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हीट वगैरह महसूस हुई, तो मैंने सोचा जैसे कि अगर चढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है उधर चढ़ाई करते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगे तो फिर मुझे उतारनी पड़ेगी वो जैकेट, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री तक जाता है, मतलब -5 डिग्री की अगर ठंड होती है तो आप उसको आराम से पहन सकते हो, मतलब 0 डिग्री से 5 डिग्री तक। लेकिन इस वाली जैकेट को मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये 0 डिग्री तक 10 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक आराम से काम करती है। तो अगर बाई चांस उधर पे थोड़ी बहुत स्नो वगैरह होती है या फिर बारिश वगैरह होती है, बारिश के लिए तो अपने पास एक ऑप्शन है कि अपन रेनकोट यहाँ से ले जाएंगे, इसके ऊपर पहन लेंगे। अगर थोड़ी बहुत स्नो वगैरह होती है वो तो ये झेल सकती है, वो तो देखा जाएगा। वैसे खैर उधर ही मैंने ये वाली जैकेट परचेज कर ली क्योंकि ये दोनों जैकेट 999 रुपए की एक पड़ी मुझे, मतलब ये वाली भी 999 रुपए की पड़ी है, ये वाली भी 999 रुपए की पड़ी है। ये मुकेश के लिए है एल साइज वाली, ये मेरे लिए है। वैसे मुकेश ने इसको पहन के ट्राई किया, उसका साइज़ थोड़ा मेरे से कम है, थोड़ा क्या काफ़ी मेरे से कम है, तो उसने इसको पहन के ट्राई किया लेकिन बोला इसमें मुझे कम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा, उसको भी यही वाला साइज़ ज़्यादा सूट कर रहा है और मुझे भी यही वाला साइज़ ज़्यादा सूट कर रहा है, तो वो बोल रहा है अगर ग्वालियर चक्कर लगता है फिर से मेरा उधर केदारनाथ जाने से पहले तो इसको चेंज करके ये वाली लेके आ जाएंगे, क्योंकि इसमें अपन को चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है 30 दिन तक, बस आपको टैग वगैरह नहीं हटाने ये वाले, जो भी टैग इसमें लग के आए हैं एक भी आपको टैग वगैरह रिमूव नहीं करने, तो आप इसको 30 दिन के अंदर अंदर चेंज कर सकते हो। दोबारा से किटी कैथलॉन के स्टोर पर जाना पड़ेगा उधरी पे, और सिंपली ये वाली जैकेट वहाँ पर दे दो, दूसरी जैकेट जो आपको चाहिए वहाँ पर से ले सकते हो। अगर आपको रिटर्न भी करना है तो 30 दिन की रिटर्न पॉसिबल रहती है, बस टैग वगैरह यहाँ से नहीं हटाने आपको, वहाँ पर जाकर आप रिटर्न कर सकते हो कि भैया मुझे नहीं चाहिए कोई जैकेट। तो यहाँ पर ये चैन वगैरह भी, हाँ इसकी क्वालिटी मुझे इतनी मस्त लगी है मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ, मैंने इसको पहन के ट्राई किया, मैं दिखा देता हूँ आपको पहन के। तो ये जैसे ही आप देख सकते हैं मैंने इसको पहन लिया है, मैंने अभी टैग हटाया नहीं है, बाई चांस कोई बड़ा साइज लेना है वैसे मुझे लग नहीं रहा है, इससे मुझे बड़ा लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने टैग अभी रिमूव नहीं किया, जब तक वहाँ तक नहीं वहाँ पर नहीं जाऊँगा तब तक मैं रिमूव नहीं करूँगा टैग। इसका वेट 400 ग्राम है मात्र, बिल्कुल हल्की सी जैकेट है, पता भी नहीं चलता, मतलब जैकेट भी पहन रखी है, बस मुझे हल्का सा ऐसा लग रहा है जब बिल्कुल ऐसे ज़्यादा वो करते हैं तो थोड़ी सी टाइट है, लेकिन इतनी टाइट तो होनी चाहिए, मतलब टाइट नहीं है। वैसे मैं अभी आपको चैन लगा के दिखाऊंगा यहाँ से, वैसे मैं चैन भी बंद कर रहा हूँ तो इतनी ये लूज रह रही है, आप देख सकते हैं आराम से चैन लग रही है। और जिप भी दोस्तों इसकी बिल्कुल मस्त है, आराम से ऊपर नीचे हो जाती है, ये लोकल जैकेट ले लेते हैं अपन 700-800 रुपए की मार्केट से, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बंद ख़राब हो जाती है जल्दी, ये साइड में भी यहाँ पर जिप दे रखी है ये भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि यहाँ से भी हम लोग कई बार जैकेट ले चुके हैं तो इस वजह से मुझे इसका पता है। ऐसे ये वाली जैकेट काफ़ी कम्फर्टेबल है, तो ये तो आपको पता ही चल गया मेरे ऊपर कैसी लग रही है, सूट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये जैकेट भी ऐसी लगती है, बस इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, अगर ग्वालियर चक्कर लगता है तो इसको भी थोड़ा बड़ा साइज़ का लेकर आ जाएंगे, इसके ऊपर बैग वगैरह पहन के मस्त लगेगा, मेरा ट्रैकिंग का पूरा काम हो जाएगा। हाँ अब शूज़ और लेने हैं मुझे, शूज़ का मैं भूल गया, वैसे मैं डीकैथलॉन के स्टोर पर जैसे ही मैंने आपको दिखाया था शूज़ भी देखकर आ गया, मस्त मस्त शूज़ थे, ट्रैकिंग के पर्पज़ से थे, अब देखते हैं अगर व्यवस्था बनेगी तो वहीं से ले लेंगे, वैसे मेरा बजट थोड़ा टाइट है ज़्यादा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ पर अच्छे से ट्रैवल कर लूँ, अगर जूते चप्पल में यहाँ पर रुपये खर्च कर दिए, वैसे इसकी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से जैकेट वगैरह भी नहीं ली, तो मेरे पास जैकेट भी नहीं थी, कोई हुडी वगैरह थे लेकिन वहाँ पर ठंडी हवा ज़्यादा चल सकती है तो हुडी काम नहीं करते हैं, जैकेट तो काम कर जाएगी लेकिन हुडी वगैरह काम नहीं करते हैं, तो इस वजह से मुझे जैकेट लेनी थी काफ़ी टाइम से, मैं सोच रहा था शायद मैंने 3-4 साल हो गए, ज़्यादा टाइम हो गया तब से मैंने कोई जैकेट वगैरह नहीं खरीदी है, क्योंकि घर पर तो अपना हुडी से काम चल जाता है और ज़्यादातर मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ तो बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, लेकिन हाँ अब बाहर जा रहा हूँ तो मुझे लेना पड़ेगा, इस वजह से मैंने ले ली। और दोस्तों डायरेक्ट मैं आपको 10:30 बजे ले आया, लेकिन वहाँ से आने के बाद आलस आपको पता ही है कि दिन में सिर्फ 1.5 घंटे 2 घंटे ही आसपास में सो पाया था, उसके बाद फिर से ग्वालियर निकल गया तो आलस काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, रास्ते में गाड़ी चलाते टाइम भी मुझे आलस लग रहा था बहुत, तो पानी पीता पीता आया मैं एक दो जगह, तो आते ही मैंने खाना खाया तुरंत और डायरेक्ट सो गया। फिर शाम को शायद 5:30 बजे दीपक का मेरे पास फ़ोन आया, दीपक भी छुट्टी आया हुआ है तो उसका मेरे पास फ़ोन आया कि चल गौरव के यहाँ चलते हैं, गौरव की अभी शादी थी 18 तारीख की, मैं जबकि अयोध्या में था उस टाइम, मतलब अयोध्या से आ गया था 18 तारीख को ही,
लेकिन यहाँ पर आया मैं 19 तारीख को, तो 18 तारीख की उसकी शादी थी तो हम लोग उसके घर पर गए, लेकिन वो चला गया था मतलब अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए सिक्किम साइड गया है। सिक्किम वगैरह की अगर अपनी भी ट्रिप बनेगी तो मैं आपको भी घुमाऊँगा, लेकिन बनेगी तो इतनी जल्दी नहीं बन पाई, लेकिन हाँ 1.5 साल 2 साल में तो 3 साल में तो बन ही जाएगी। मतलब हर जगह ही घूमना है ना अपन को। हम लोग बस थोड़ी बहुत देर अंकल आंटी से बातें करते रहे और मिठाई का उन्होंने डब्बा दिया, गिफ्ट वगैरह हमारी शादी का जो था वो हमको दिया, हम लोग वापस आ गए। उसके बाद दीपक मुझे छोड़ के वापस निकल गया। फिर आज तो उसको मैंने जैकेट वगैरह देने के लिए फ़ोन किया तो उसने चेक किया तो साइज़ में थोड़ा वो उसको थोड़ा वो लग रहा है, लेकिन वो बोल रहा है अगर नहीं होती है तो ये वाला भी साइज चल जाएगा। मतलब कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वाली थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल उसको लग रही है क्योंकि उसमें वो ऊपर अंदर कपड़े वगैरह भी पहन लेगा तो भी वो ढीली सी रहेगी। और अब मैं लग रहा हूँ वापस से एयरटिंग वगैरह में। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।